अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं क़ारी नवाब वासिफ़ी सैफ़ी आपसे मुखातिब हूँ और मुझे आपसे गुफ्तगू करते हुए खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे लाइव आने में रूबरू आप हज़रात से कराने में मेरी मदद की, जिसमें सबसे पहले जन सरोकार मंच की पूरी टीम, खासकर देवेंद्र जी, बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पर मुझे लाइव आने का मौका इनायत फरमाया। मैं उनको अपनी तरफ से खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही उन तमाम दोस्तों का भी मशकूर हूँ जो लाइन पर मौजूद हैं या आने वाले हैं, क्योंकि हम शायरी के लिए जमा हुए हैं, इसलिए बिला किसी तमीज व तख़ीर के शायरी की ज़बान में बात करते हुए चंद अशार आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जीने के लिए मरने की एक शर्त लगा दी, जीने के लिए मरने की एक शर्त लगा दी, देखो तो किस अंदाज से जालिम ने सजा दी। वो शख्स जो दिखता है बुझाने में मसरूफ, वो शख्स जो दिखता है बुझाने में मसरूफ, कमबख्त उसी शख्स ने शोलों को हवा दी, कमबख्त उसी शख्स ने शोलों को हवा दी। एक गज़ल के चंद शेर आप हज़रात की खिदमत में तरन्नुम के साथ समाप्त फरमाएं। किसी की याद को दिल का सहारा कर लिया मैंने, किसी की याद को दिल का सहारा कर लिया मैंने, किसी की याद को दिल में हमें जाना गवारा कर लिया मैंने, मोहब्बत में हमें जाना गवारा कर लिया मैंने। मेरी तारीख रातों में उजाला हो गया उस दम, मेरी तारीख रातों में उजाला हो गया उस दम, रुखे रोशन का जिस दम भी नजारा कर लिया मैंने, रुखे रोशन का जिस दम भी नजारा कर मैंने। और ये शेर बतौर खास चमक तारों से ली और चांद से दागे जिगर लेकर, चमक तारों से ली और चांद से दागे जिगर लेकर, सिया झुकी मेहराब काबा भी वहीं जलवे सिमट आए, झुकी मेहराब काबा भी वहीं जलवे सिमट आए, तड़प कर जब दरे जाना पे सजदा कर सजदा कर लिया मैंने। और मक्ता समाप्त फरमाएं। अंधेरों से जुदा है अब नवाब अपनी नई दुनिया, अंधेरों से जुदा है
गमों से कर के रोशन दिल उजाला कर लिया मैंने, गमों से कर के रोशन दिल उजाला कर लिया मैंने, किसी की याद को दिल का सहारा कर लिया मैंने। एक और गजल के चंद शेर आप हज़रात की खिदमत में। ये क्या अंधेर है गम में खुशी की बात करते हैं, ये क्या अंधेर है गम में खुशी की बात करते हैं, अजल सर पर खड़ी है जिंदगी की बात करते हैं, अजल सर पर खड़ी है जिंदगी की बात करते हैं, उन्हें पीना ही कब आया है साकी की निगाहों से, उन्हें पीना ही कब आया है साकी की निगाहों से, जो रहकर में कदे में तिश्नगी की बात करते हैं, जो रहकर में कदे में तिश्नगी की बात करते हैं। और ये शेर देखिए, नसीब उनका तो देखो किस तरह उन पर मेहरबान है, नसीब उनका तो देखो किस तरह उन पर मेहरबान है, जो कांटों के नहीं लायक कली की बात करते हैं, जो कांटों के नहीं लायक कली की बात करते हैं, जो जान देने को थे तैयार मेरे एक इशारे पर, जो जान देने को थे तैयार मेरे एक इशारे पर, वही अब मुझसे यारों बेरुखी की बात करते हैं, वही अब मुझसे यारों बेरुखी की बात करते हैं। और मख्ता समाज फरमाए, नवाब उनको सियासत की नहीं कुछ समझ शायद, नवाब उनको सियासत की नहीं कुछ समझ शायद, कि वो हर हर कदम पर दिलगी की बात करते हैं, कि वो हर हर कदम पर दिलगी की बात करते हैं। तरन्नुम के साथ एक और गज़ल के चंद अशआर आप हज़रात की समातों के हवाले तवज्जो फरमाएं। चांदनी में नहा के आए हैं, चांदनी में नहा के आए हैं, चांदनी बज़्म में मुस्कुरा के आए हैं, बज़्म में मुस्कुरा के आए हैं, बिजलियां सी उनके आने से भूल शर्मिंदा, उनके आने से भूल शर्मिंदा, ऐसे नाज़ो वो मेरी प्यास के मकाबिल था,
समाप्त फरमाएं। जिसने रुसवा हमें किया है नवाब, जिसने रुसवा हमें किया है नवाब, जान सी पर मक्ता दोबारा समाप्त फरमाएं। जिसने रुसवा हमें किया है नवाब, जिसने रुसवा हमें किया है नवाब, जान सी पर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक और वक्त के चंद अशार तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ आप लोग आपकी आप हजरात की समातों के हवाले। रुख से तुम पर ना उठा से तुम पर मेरी जानिब तुम्हें तकता हुआ देखूं उस दम, मेरी जानिब तुम्हें तकता हुआ देखूं उस दम, तुम भी नजरें से तुम पर्दा। बहुत शुक्रिया। आज़ल का अगला शेर समाप्त फरमाएं। शेर कहने पे तबीयत मेरी माइल जब हो, शेर कहने पे तबीयत मेरी माइल जब हो, ज़हनो दिल पर मेरे छाओ तो ग़ज़ल हो जाए, रुख से तुम पर्दा उठाओ तो ग़ज़ल हो जाए। और बतौर खास ये शेर भी देखिए। कर दिया गर्दिश अय्याम ने हद दर्जा उदास, कर दिया गर्दिश अय्याम
दर जाओ दास, तुम जरा दिल को लुभाओ तो वसल हो जाए, रुख से तुम पर और गजल का शेर समाप्त फरमाए। नाज से और अदाओं से कयामत बनकर, नाज से और अदाओं से कयामत बनकर, मेरी बाहों में जो आओ तो गजल हो जाए, मेरी बाहों में जो आओ तो गजल हो जाए। और अगला शेर अगर कर दम बदन मेरे तखयुल में मसरत बनकर, दम बदन मेरे तखयुल में मसरत बनकर, अब्र की तरह से छा की तरह से छाओ तो वसल हो जाए। और मक्ता समात फरमाए। गमे दुनिया से है अब इतना परेशान, मैं दुनिया से है अब इतना परेशान नवाब, तुम घड़ी भर को भी आओ तो गजल हो जाए, तुम घड़ी भर को भी से तुम पर्दा उठाओ तो गजल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल के चंद अशआर तरन्नुम के साथ आप हजरात की समातों के हवाले। उसको कैसे उसको कैसे भला करार आए, उसको कैसे भला करार आए, तेरी महफिल गजल का अगला शेर समाप्त फरमाए। तुमसा कोई नहीं हसी पे कर,
तुम सा कोई नहीं हसी पैकर, जो भी देखे उसी को प्यार आए, जो भी देखे और ये शेर समाप्त फरमाए। रात गुजरी है करवटें लेकर, रात गुजरी है करवटें लेकर, कैसे दिन में मौत से पहले उनके आने का, मौत से पहले उनके आने का, किस तरह गजल का मतला हासिल कर रहा हूं। अभी वीरानी है चमन में नवाब, अभी वीरानी है चमन में नवाब, वो जो मक्ता दोबारा हाजिर कर रहा हूं। अभी वीरानी है चमन में नवाब, अभी वीरानी है चमन में नवाब, वो जो कैसे भला करार आए। मेरा दिया चलते रहते हैं जी। बहुत 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 शुक्रिया। एक और गजल के चंद अशआर तरंगम में पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। मेरी नजरों से घर दुनिया की ज़ेबाई नहीं जाती, मेरी नजरों से घर दुनिया की ज़ेबाई नहीं जाती, मेरी नजरों से घर दुनिया की ज़ेबाई
जाती किसी भी साज पर मुझसे गजल गाई नहीं जाती किसी भी साज पर मुझसे गजल गाई नहीं जाती। और अगला शेर समाप्त फरमाए गफूरे सो मुझे मुजरिम न ठहराओ वो फूरे सोज़े उल्फत में मुझे मुजरिम न ठहराओ भड़क जाती है खुद ये आग भड़काई नहीं जाती भड़क जाती है खुद ये आग भड़काई नहीं जाती। और अगला शेर गजल का तुझे कल्ब नादान ने कितनी बार समझाया तुझे के बज़्म में नाज में हर बात दोहराई नहीं जाती के बज़्म में नाज में हर बात दोहराई नहीं जाती। और ये शेर भी तवज्जो फरमाएं मेरी किस्मत की उलझन क्या किसी की जुल्फ है हमदम मेरी किस्मत की उलझन क्या किसी की जुल्फ है हमदम ये आखिर क्यों किसी सूरत भी सुलझाई ये आखिर क्यों किसी सूरत भी सुलझाई नहीं जाती। और अदल का मक्ता हाजिर कर रहा हूं तवज्जो फरमाएं न जाने क्या समझता है जमाना तुझको ए नवाब न जाने कोई खूबी तो तेरी जात में पाई नहीं जाती कोई खूबी तो तेरी जात में पाई नहीं जाती। बहुत 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 शुक्रिया। आखिर में एक मरतबा फिर जो लोग लाइव देख रहे हैं और आखिर तक मेरे साथ रहे उनका मैं बहुत 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 मशकूर हूँ। और एक बार फिर जन सरोकार मंच के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस गज़ल के आखिरी शेर के साथ मक्ते के साथ कि न जाने क्या समझता है ज़माना तुझको ए नवाब न जाने क्या समझता है ज़माना तुझको ए नवाब कोई खूबी तो तेरी ज़ात में पाई नहीं जाती। दरअसल कोई खूबी मेरी ज़ात में नहीं है लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों ने नवाजा जिसके लिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।